तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल बैंक सीएसपी के बारे में। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल बैंक सीएसपी आपको कैसे मिलेगा, वो बैंक सीएसपी में आपको डीबीटी का फैसिलिटी मिलेगा या नहीं, गवर्नमेंट स्कीम का फैसिलिटी आपको मिलेगा कि नहीं उस अकाउंट में, अकाउंट ओपनिंग का क्या प्रोसेस है, साथ में सीएसपी लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हम पूरा जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। उससे पहले हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक जरूर करें मेरे भाई। हाँ दोस्तों, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल बैंक सीएसपी में डीबीटी का फैसिलिटी है, डीबीटी आपको मिलेगा, साथ में गवर्नमेंट स्कीम का पैसा भी आपका आएगा जो भी अकाउंट ओपनिंग करेंगे। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल बैंक सीएसपी के द्वारा आप जितना भी अकाउंट ओपनिंग करेंगे, जो भी अकाउंट ओपनिंग करेंगे वो जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपनिंग होगा। साथ में वहाँ पे आप करंट अकाउंट कर सकते हैं, माइनर अकाउंट कर सकते हैं या तो फिर सेविंग अकाउंट भी कर सकते हैं। दोस्तों अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपको आधार कार्ड पैन कार्ड का जरूरत पड़ेगा। अगर किसी का पैन कार्ड नहीं है तो आप बिना पैन कार्ड के ओनली आधार कार्ड के थ्रू अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। दोस्तों अकाउंट ओपनिंग करने का प्रोसेस जैसे कि आपको वीडियो केवाईसी का जरूरत पड़ेगा एंड आधार फिंगर केवाईसी बायोमेट्रिक का आपको जरूरत पड़ेगा। बायोमेट्रिक के भी आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग आपका इंस्टेंट हो जाएगा, जो आपको इंस्टेंट तुरंत ही आपको अकाउंट नंबर आ जाएगा, उसका आईएफएससी कोड आ जाएगा। दोस्तों बात करेंगे आपका जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल बैंक सीएसपी रहेगा उसका मेन ब्रांच कहाँ पे रहेगा, कहाँ से आपका लिंकेड रहेगा, आपका ओडी अकाउंट होगा या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल में अभी फिलहाल ओडी अकाउंट का फैसिलिटी नहीं है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का आपका मेन ब्रांच उत्तर प्रदेश में है, जैसे कि मुंबई में है, दो तीन जगहों में। अगर आपको कोई परेशानी होता है तो मेन ब्रांच जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप मेन ब्रांच से यानी कि सूर्योदय का जो कंपनी का जो कॉन्टेक्ट नंबर होता है, मेल आईडी रहता है, वहाँ पे आप मेल करेंगे तो आपका सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। दोस्तों आप बात करेंगे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल बैंक सीएसपी में आपको और क्या क्या सर्विसेज मिलेगा, जैसे कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, माइनर अकाउंट, जीरो बैलेंस का अकाउंट, एफडी अकाउंट एंड आरडी अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, ईपीएस का काम कर सकते हैं, कैश विथड्रॉ, कैश डिपॉजिट का काम कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट एंड बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, साथ में फाइनेंशियल का सर्विसेज ले सकते हैं, बीबीपीएस कर सकते हैं, डीएमटी कर सकते एंड बहुत सारे सर्विसेज का वहाँ पे आपको सुविधा मिल जाएगा। दोस्तों सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल सीएसपी में आप जितना भी अकाउंट ओपनिंग करेंगे वो अकाउंट का आपको पासबुक यानी कि डेबिट कार्ड और उसका किट जो है कैसे मिलेगा। अगर आप चाहे तो सीएसपी में 40 या 50 आप किट मंगवा के आप दुकान में रख सकते हैं। अदरवाइज आप अकाउंट ओपनिंग करने के बाद वहाँ पे ऑप्शन रहता है अकाउंट ओपनिंग के सिस्टम में कि आप वहाँ पे ऑर्डर कर दीजिए और आपका जो है ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा 7-10 दिन के अंदर बाय पोस्ट कस्टमर के पास उसका किट आ जाएगा, अकाउंट एंड डेबिट कार्ड। दोस्तों अकाउंट में आप 10,000 तक का विदड्रॉ कर सकते हैं एंड डेबिट कार्ड के थ्रू 10,000 तक का विदड्रॉ कर सकते हैं। महीने में 5 बार फ्री रहेगा, उसके बाद आपको पर ट्रांजैक्शन में यानी कि 23 या 24 रुपया आपको चार्ज कटेगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अकाउंट ओपनिंग करके दिखाओ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में, या तो फिर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में जो है कमीशन क्या आता है, कितने रुपए में कितना कमीशन देता है, उसका डिटेल्स चाहते हैं तो आप एक बार कॉमेंट जरूर करें, हम आपके लिए बहुत ही जल्दी एक वीडियो बना के शेयर करेंगे। एंड दोस्तों अगर आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल बैंक सीएसपी को लेना चाहते हैं तो वो कैसे मिलेगा, अगर आप चाहे तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे एक कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट करके सीएसपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमसे कॉन्टेक्ट करके सीएसपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सीएसपी को ले सकते हैं या तो फिर और भी अच्छे तरीके से उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी बस इतना ही था, जानकारी अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें।